भाग्या है, मैं राजूला तालुका से हूँ। मेरी बच्ची अभी 10 महीने की है। जब वो 2 महीने की थी तो हमें पता चला कि उसे जन्म से सुनाई नहीं देता, तो हमें किसी के माध्यम से पता चला कि नागपुर में अस्पताल है किम्स कडल्स, वहाँ पर कान का इलाज होता है। तो हम यहाँ पर आए तो हमको डॉक्टर श्वेता लोहिया मैम ने कॉकलियर इम्प्लांट सजेस्ट किया। उन्होंने कहा, उन्होंने हमें इसका मतलब समझाया, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया और बताया कि ये करने से आपके बच्चे को सुनाई देगा और हम इससे बहुत खुश हैं और खुशी खुशी घर जा रहे हैं। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता लोहिया है। मैं किंग्सवे हॉस्पिटल में ENT एंड कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन हूँ। तो आज के दिन, जैसा हम सबको पता है कि हर बच्चे की जन्म पर ही सुनने की जांच होनी चाहिए, वैसा ही एक उदाहरण आज हमारे पास है, जिनके पेरेंट्स को 2 महीने में रियलाइज हो गया कि हमारे बच्चे को शायद आवाज़ नहीं जाती, हमारा बच्चा आवाज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। उन्होंने देर ना करते हुए बच्चे की सुनने की पूरी जांच कराई और उसमें उनको समझ में आया कि बच्चे की सुनने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने किंग्सवे हॉस्पिटल में हमारे मार्गदर्शन पे, ENT डिपार्टमेंट और ऑडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन में बाकी की पूरी टेस्टिंग कराई, हियरिंग एड्स लगवाया, बच्चे की थेरेपी कराई एंड हमने उसका 10 महीने होने का इंतज़ार किया ताकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, माइलिनेशन एंड बच्चे की एज हो जाए जब हम उसका इम्प्लांट कर सकें। जब हमें फाइनली ये समझ में आ गया कि बच्चे को हियरिंग एड से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, इम्प्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन, हमने पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया कि इम्प्लांट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द चाइल्ड, तो पेरेंट्स ने हिम्मत करके बच्चे की सर्जरी एट 10 मंथ्स कराई। टुडे शी इज़ अ लाइव एग्जाम्पल कि हर बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हर बच्चे की जांच होनी चाहिए जन्म पे, ताकि आनंदी जैसे बच्चे, जो एक नहीं हमारे देश के हर बच्चे होने चाहिए जिनकी जन्म पे जांच होनी चाहिए और टाइमली उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब 3 हफ्ते के बाद हम उसका स्विच ऑन करेंगे जब वो पहली बार आवाज़ सुनेगी एंड उसके बाद 2 साल की उसकी थेरेपी के सेशंस रहेंगे। देन शी विल बिकम लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड हु विल गो टू स्कूल एंड शी कैन डू व्हाटएवर शी लाइक्स। थैंक यू।